हाय गाइस, रंजन की दुनिया में आपका स्वागत है। और लता, आज हम कहाँ आए हैं? सिद्धिविनायक के मंदिर आ रहे हैं। सिद्धिविनायक के मंदिर आए, और हम यहाँ कब आते हैं? हर मंगलवार को। हाँ, हम यहाँ हर मंगलवार को आते हैं। यहाँ कौन सा मंदिर है बताइए आप? सिद्धिविनायक। हाँ, पर गणपति जी का है ना? गणपति जी का। हाँ, तो बाजू में राधा कृष्ण है। हाँ, लक्ष्मण सीता। आवाज थोड़ा बड़ा निकालिए। ये हमारी बहन सीता, हनुमान जी का मंदिर, राधा कृष्ण, हाँ, जलाराम बाबा, बापा ना, हर सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण। हाँ, तो यहाँ बहुत सारे दर्शन है। हनुमान जी और खोड़ियार माता। हाँ, तो यहाँ बहुत सारे दर्शन है, तो हम यहाँ हर मंगलवार को आते हैं और यहाँ हम दर्शन करते हैं। और यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही लता, कितना सुंदर है। हाँ, और यहाँ मन को कितनी शांति मिलती है। शांति, अपार शांति मिलती है। हाँ, जैसे यहाँ आते हैं तो जैसे हम यहीं बैठे रहे जाते हैं। हाँ, हाँ, तो हमें कितना मन प्रसन्न हो जाता है। मन प्रसन्न हो जाता है, हमें क्या लगता है कि हम यहीं पे बैठे रहे। लगता है ना ऐसा लता कि हम यहीं पे बैठे रहे, बस मंदिर में ही आके बस जाए, इतनी मन को शांति मिलती है। तो इस अशांति भरी दुनिया में, मतलब हमें, आपको भी जैसे अगर टाइम है तो आपको भी 8 दिन में एक बार मंदिर जरूर जाना चाहिए। शनिवार को लता हम कहाँ जाते हैं? बालाजी। शनिवार को हम बालाजी मंदिर जाते हैं और वहाँ भी गायों को खिलाते हैं, सारे नीचे पीपल को पानी देते हैं। तो इस तरह का हमें बहुत छोटा मोटा पुण्य कमा लेते हैं, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर इस तरह की जिंदगी में हम सोचते हैं कि हमारे लिए, हम खुशियों के लिए वक्त ढूंढेंगे, पर वो वक्त कभी नहीं आता है। आता नहीं, ही नहीं आता है, नहीं आता है, घर बैठे बैठे वक्त नहीं आता है। हाँ, थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है और अपने लिए खुशियाँ खुद ढूंढनी पड़ती है। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातों में लगता क्या मिलता है? खुशियाँ मिलती है ना। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातों में ही हमें क्या मिलती है? खुशियाँ मिलती है। तो हम सोचेंगे कि हमारा वक्त आएगा, घर पे बैठे रहेंगे, वो जिम्मेदारियों में से तुम कभी मुक्त नहीं होगे लता, बताओ। नहीं होगे, जिम्मेदारियों में से तुमको कभी छुट्टी नहीं मिलने वाली, टाइम निकालना पड़ता है। हाँ, तो वक्त तो खुद के लिए निकालना पड़ता है ना। हाँ, तो बड़ा चीज भारी है। हाँ, अगर हम ये सोचेंगे कि वक्त आएगा, हमारा भी वक्त आएगा, तो वो वक्त कभी नहीं आता है। हाँ, आता है नहीं, तो हमें क्या करना है, अपने लिए जीना है। तो 8 दिन में कम से कम 2 दिन तो आप अपने लिए जी सकते हो ना। हाँ, बोला जी लता? सकते, जी सकते। हाँ, 8 दिन में 2 दिन हम खुद के लिए भी जीना चाहिए। घर का काम तो बहुत सारा होता है, तो रोज का होता है लता। घर का काम तो रोज का होता है, काम निपटा के फिर। हाँ, तो हम ऐसे नहीं कहते कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो, हम अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं लता, निभाते हैं ना, निभाते हैं सब। घर बच्चों को खाना पीना, हाँ, सब काम निपटाने के बाद हम क्या, देखो अभी 11:30 बज रहे हैं तब हम मंदिर आए हैं। मतलब ऐसे नहीं कि हम घर की जिम्मेदारियों को छोड़ रखा है, नहीं, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान को टाइम देना चाहिए, हमको खुद को टाइम देना चाहिए। तो यही जिंदगी है बस, नहीं तो ऐसे ही निकल जाओगे, कब पता भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, तो लता वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, तो देखो मेरी बहन की सुनना, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके सपोर्ट की मेरी चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।